हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो है SSC रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सर, आज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताएंगे और उस पर थोड़ा उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। जैसे देखिए, क्वेश्चन है, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका ए ऑप्शन है ऑडियोमीटर, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है सेक्सटेंट और डी ऑप्शन है सोनार। तो दोस्तों, जो महासागर में डूबी वस्तु को जानने के लिए इसमें जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। और इस यंत्र में क्या किया जाता है, प्रासरव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है जिससे उस सतह से वो टकराता है और टकरा करके वापस आता है। उसी से वो वस्तु जो है कितनी गहराई पर है या फिर समुद्र के भीतर गहराई कितनी है इसको पता किया जाता है। क्यूसेक में अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक एक पैमाना होता है, तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? इसका पहला ऑप्शन है जल की शुद्धता, दूसरा ऑप्शन है बी जल की गहराई, सी जल का बहाव और चौथा जल की मात्रा। तो पहले हम आप लोगों को बता दें कि क्यूसेक होता क्या है। क्यूसेक का जो पूरा नाम है वो है क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकेंड। ये जल की बहाव की दर मापने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि इसका सही ऑप्शन सी है, जल का बहाव मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? ए ऑप्शन है नाट, बी ऑप्शन है डॉप्सन, सी ऑप्शन है पॉइस और डी ऑप्शन है मैक्सवेल। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं वायुमंडल के ऊपरी परत में एक ओजोन की परत होती है, ऑक्सीजन की परत होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, परावैगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणों के पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो इसकी एक मोटाई होती है, उसको डॉप्सन में नापा जाता है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। डॉप्सन में इसको मापा जाता है। और एक डॉप्सन इकाई जो होती है DU, उसको शॉर्टकट में कहते हैं, 2.69 × 10^20 ओजोन अड़ी प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। अब हम लोग जानेंगे कि ध्वनि की तीव्रता, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ए क्रोनोमीटर, बी एनीमीटर, सी ऑडियोफोन और डी ऑडियोमीटर। तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है वो ऑडियोमीटर है, सही ऑप्शन डी है। ऑडियोमीटर से वायु की वेग की माप की जाती है, सॉरी एनेमोमीटर से वायु की वेग की माप की जाती है और ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। और क्रोनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे तापमान या आर्द्रता, दाब, ये सब मापा जाता है, वायु दाब के परिवर्तन होने के बाद भी ये सब पूर्ण रूप से, ये जो है समय का पूर्ण रूप से परिशुद्धता से माप करता है क्रोनोमीटर। और ऑडियोफोन क्या होता है, जैसे कि ये सुनने के लिए लोग लगाते हैं ऑडियोफोन जिससे साफ साफ सुनाई दे, तो दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगला ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ए पानी के बहाव की गति, बी पानी की गहराई, सी पवन वेग और डी प्रकाश की तीव्रता। तो इसका सही ऑप्शन है सी पवन वेग। एनीमोमीटर से क्या करते हैं, पवन वेग नापते हैं। इसमें कुछ ऐसा बना होता है डिवाइस, जैसे तीन ऐसे कटोरे टाइप से रहता है, वो घूमता है, उसका रीडिंग नीचे बताता है कितनी स्पीड से घूमता है, पता चल जाता है कि हवा की स्पीड कितनी है, इसको एनीमोमीटर कहते हैं। पाइरोमीटर, अगला क्वेश्चन है, पाइरोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है? ए वायुमंडलीय दाब के, बी आर्द्रता के, सी उच्च ताप के और डी घनत्व के। तो इसका सही ऑप्शन जो है, पाइरोमीटर का यूज़ किया जाता है उच्च ताप को मापने के लिए। पाइरोमीटर होता क्या है, पाइरोमीटर एक विकिरण उत्ताप मापी होती है, टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर, इसकी सहायता से अत्यधिक उच्च तापों को मापा जाता है। और यह जो डिवाइस होता है स्टीफन के नियम पर काम करता है, E = T^4, यानी दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य का ताप माप ले सकते हैं। और इस ताप मापी से इसकी एक विशेषता यह भी है कि
800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के ताप को आप नहीं मेजर कर सकते, ये बहुत उच्च ताप के लिए बनाया गया है, उच्च ताप का ही मापन होता है। अगला क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है वह कौन सा है? गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्वीकृत पायरोमीटर, वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो इसका सही ऑप्शन है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। जो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के ताप को मेजर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर एक डिवाइस है, इसकी सहायता से किसकी माप की जाती है? ए वायु दाब की, बी गैसों के दाब की, सी द्रवों के घनत्व की, और डी सतह पर तेल का दबाव मापने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है बी, गैसों का दाब नापने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल दाब को मापने में यंत्र का किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी मैनोमीटर, और डी है हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और बैरोमीटर में अचानक अगर बैरोमीटर का नीडल अचानक गिर जाता है तो बैरोमीटर में जो रीडिंग है उसमें पारे का जो रीडिंग होता है अचानक अगर नीचे आ गया तो इससे पता चलता है कि तूफानी मौसम आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षित घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है? हाउ टू मेजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क? ए हाइड्रोमीटर से, बी ब्यूटीरोमीटर से, सी लैक्टोमीटर से, और डी थर्मामीटर से। तो दोस्तों, जो दूध का अपेक्षित घनत्व होता है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, और जो ब्यूटीरोमीटर होता है वो भी दूध में वो फैट को मापता है, वसा कितना है उसमें, उत्पाद वसा की मात्रा कितना है उसको मेजरमेंट करता है, वो भी मेजरमेंट करता है लेकिन वसा की मात्रा को मेजरमेंट करता है। तो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? हाउ टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी? ए हाइड्रोमीटर से, बी हाइग्रोमीटर से, सी लैक्टोमीटर से, और डी पोटेंशियोमीटर से। तो दोस्तों, जो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, और जो हाइड्रोमीटर होता है उससे द्रव या जल का घनत्व मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर से विभवांतर मापा जाता है, लैक्टोमीटर से भी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र क्या है? हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, या विच डिवाइस यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर? ए है टैकोमीटर, बी स्फिगमो मैनोमीटर, सी एक्टीमीटर, डी बैरोमीटर। तो इसका सही जो डिवाइस है वो स्फिगमो मैनोमीटर है, उससे ब्लड प्रेशर मापते हैं, इसको ऐसे होता है लपेटने वाला, ऐसे बाह में लपेट लेते हैं तो ब्लड प्रेशर को बताता है, और ताप को मापने के लिए आप लोग जानते हैं थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या रहता है, पारा ऊपर चढ़ता है तो उसे बताता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, और मानव शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यदि फारेनहाइट इसके लिए बताएं तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? ए एनीमोमीटर, बी कोलोरीमीटर, सी लक्समीटर, डी अल्टीमीटर। दोस्तों, इसका सही जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है वो लक्स मीटर है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का यूज़ किया जाता है। क्लोरीमीटर क्या होता है? क्लोरीमीटर एक ऐसा लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो किसी पदार्थ द्वारा जो अवशोषित किया जाने वाला रंग को मापता है, कौन सा रंग मेजरमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राडार आप लोग नाम सुने होंगे, राडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, सी है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में, डी वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो इसका सही आंसर है सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग जाता है। इसमें एक्चुअली एक रेडियो सिग्नल भेजा जाता है जिससे जो है कि पता चलता है कि वस्तु की स्थिति क्या है। जो रडार का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग है, और इसे किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है, रेडियो तरंगों की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा, गति सब ज्ञात की जाती है। अगला है, इस निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? ए हिमनदी की चाल, बी जनसंख्या वृद्धि, सी भूकंप की तीव्रता, या डी पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो दोस्तों, जो रिक्टर स्केल होता है यह भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज़ किया जाता है,
और ये लॉगरिथम स्केल बना होता है, इसमें 1 से जो है कि 9 बराबर भागों में बांटा रहता है। और अगला जो पॉइंट होता है 10 गुने परिमाण को बताता है। तो रिक्टर स्केल पे जो है भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? एक कैस्क्रोग्राफ, बी सिस्मोग्राफ, सी गीगर काउंटर, डी रेन गेज। तो इसमें सही जवाब है भूकंप या मापे जो यंत्र होता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। और क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि नापते हैं। इसको जगदीश चंद्र बसु ने बनाया था 1900 ईस्वी में। और रेन गेज जो होता है वासा मापी यंत्र है। और गीगर काउंटर कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। तो ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक मैं और सारा बहुत सारे क्वेश्चन का बताता रहूँगा। तो यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए। और ऐसे ही साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस का ऐसे बताते जाएंगे, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए जाएंगे। उसके बारे में जो क्वेश्चंस बताएंगे थोड़ा एक्सप्लेन करके ही बताएंगे वो चीज़ क्या है और कैसे है। तो यदि नए चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।